दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों आज हम देखेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांतों में मनोसामाजिक सिद्धांत। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये मैटर आपको अगर PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद PDF फाइल खुल जाएगी, वहां आप इस मैटर को आराम से पढ़ भी सकते हैं। वीडियो पूरा देखें और इससे पहले आप मेरे साथ चलें व्हाइट बोर्ड की तरफ। व्यक्तित्व के लिए या पर्सनालिटी के लिए एक विद्वान थे इरिक इरिक्सन, ये क्या कहते हैं कि भाई मनोसामाजिकता बहुत जरूरी है। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम हुआ मनोसामाजिक सिद्धांत। ये पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का ही सिद्धांत है, लेकिन इन्होंने मनोसामाजिकता की अवस्थाएं बताई, है ना, विकास की इन्होंने अवस्थाएं बताई। ये कहते हैं कि जो विकास की अवस्थाएं हैं, जो विकास है, विकास की अवस्थाएं 8 बताई। विकास काफी चर्चित रहा है ना, कोई विकास को ढूंढ रहा है, काफी मैसेज चल रहा है, वो विकास नहीं है, लेकिन ये शारीरिक और मानसिक विकास से संबंधित है। जो कह रहा है कि विकास की जो अवस्थाएं हैं ये है 8। इरिक इरिक्सन कितनी अवस्थाएं बता रहा है विकास की? 8। तो अपन इन 8 अवस्थाओं को देखेंगे तो अपने को सिद्धांत जो है समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है पहली अवस्था है जो है शैशव अवस्था है। तो अब ये सवाल ही बन जाता है इसमें कि इरिक इरिक्सन के अनुसार या मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार जो शैशव अवस्था है वो कब से कब तक की मानी गई है? तो ये कह रहा है कि भाई 0 से लेकर 1 वर्ष तक की ये अवस्था होती है। इसमें मुख्य रूप से बच्चे को कभी विश्वास रहता है, कभी अविश्वास रहता है, कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, इस प्रकार की स्थिति बनती है। फिर है प्रारंभिक बाल अवस्था, है ना, प्रारंभिक बाल अवस्था ये बताता है 2 से 3 वर्ष तक, क्या कहता है ये कि ये प्रारंभिक बाल्य अवस्था है, ठीक है ना। अब है तीसरी खेल अवस्था। खेल में बच्चा कब शुरू करता है? 4 साल से लेकर के 6 साल तक वो बताता है खेल अवस्था है। देखो अपने अपने विजन, अपने अपने व्यू अलग हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हमें वही देखना है जो किताबों में है, जो हमारे काम आने वाला है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ इसका लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा, आप क्लिक करोगे तो आपको PDF में खुल जाएगा और आप आराम से उसको बैठ के पढ़ भी सकते हो और वीडियो भी देख सकते हो। चौथी अवस्था है जो स्कूल अवस्था है, जब बच्चा स्कूल में जाना शुरू करता है। तो देखो वैसे तो 5 वर्ष से शुरू हो जाता है, लेकिन इसने बताई है 6 साल, है ना, 6 से लेकर के 11 वर्ष बच्चा जो है इसने बताई है ये स्कूल की अवस्था हो जाती है। फिर थोड़ी सी अवस्था चेंज होती है, अगली अवस्था आती है किशोर अवस्था, जिसमें मनुष्य में थोड़ी सी क्या होता है कि भ्रम होता है, अहम उसमें आ जाता है, ठीक है ना। ये इसने बताई है 12 से 19, ठीक है ना, 12 से 19। इसको अलग अलग तरीके, किसी ने तूफानों की अवस्था, किसी ने झांझावतों की अवस्था, ये सब चीज़ें कहा है। मैं अगले वीडियोज़ में आपको और भी डिटेल से बताता रहूँगा। फिर है तरुण अवस्था, है ना, तरुणाई की अवस्था जो 20 से 30 वर्ष तक होती है, थोड़ी सी इसमें समझ भी डेवलप होती है ना। फिर है मध्य वयस्कता, जब इंसान थोड़ा मध्य में आता है किसके जीवन काल के में, तो ये 31 से 65 वर्ष तक मानी गई है। फिर जब 65 वर्ष के बाद तो इंसान को संपूर्ण संसार का, सभी भोगों का ज्ञान हो जाता है ना, उसको क्या कहते हैं परिपक्व अवस्था। फिर ये 65 साल से मृत्यु तक, इसमें थोड़ा सा इंसान क्या होता है निराश रहता है, भाई जीवन के सब कर्म करने के बाद उसको ये पता लग जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो मृत्यु का इंतजार करता रहता है ना, ऐसा इंडियन कल्चर में अपने बताया जाता है। तो ये परिपक्वता है 65 साल से लेकर के उसकी मृत्यु तक। तो मनोसामाजिक सिद्धांत इरिक इरिक्सन ने दिया और विकास की 8 अवस्थाएं बताई, शैशव अवस्था जो कि 0 से लेकर के 1 वर्ष तक, फिर प्रारंभिक बाल अवस्था जो कि 2 से 3 वर्ष तक, फिर है खेल अवस्था जो कि 4 से 6 वर्ष तक बताई गई है, फिर स्कूल अवस्था है जो 6 से 11 वर्ष तक बताई गई है, किशोर अवस्था है जो 12 से 19 वर्ष तक बताई गई है, तरुण अवस्था है ना, इसमें क्या होता है कि ये व्यक्ति थोड़ा सा घनिष्ठता लिए होता है ना, थोड़ा सा अलग टाइप का इंसान बन जाता है, ठीक है, 20 से 30 वर्ष यहाँ लिखा हुआ है। मध्य वयस्कता ये मतलब ये योजक कड़ी हो गई वृद्धावस्था और युवा अवस्था के बीच की, तो ये 31 से 65 वर्ष के बीच। फिर है परिपक्व अवस्था, जब इंसान पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, उसको सारा ज्ञान हो जाता है, तो वो मनोसामाजिक सिद्धांत अपना यहाँ पूर्ण हो जाता है इरिक इरिक्सन का।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और यारों अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो ये कि जितने भी वीडियोज हैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, आप उनको ज़रूर देखें और क्लिक करके आप उनको PDF फॉर्मेट में भी प्रिंट लेकर पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपको फिर मिलता हूँ ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।